समी जल्दी कर, लेट हो रहा है। चल लो, कहाँ है? उधर आ गया बस। अबे जूते तो चेंज कर ले यार समी। चल तुझे जूते दिला के लाऊं। दोस्तों हम आ गए हैं सदर में, सदर मार्केट की एम्प्रेस मार्केट, उसके ऑपोजिट आप देखेंगे तो ये शूज मार्केट है। समी साहब को लेने थे जूते तो मजबूरन हमें इस गर्मी में आना पड़ा। चले चलते हैं और समी को दिलाते हैं शूज। देखते हैं कि मुझे मेरे मतलब के यहाँ पे जूते मिलते हैं या नहीं। चलो आओ तुमको शूज दिखाता हूँ। पसंद आ रही है, चले आगे देखते हैं क्या। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम हैं कराची में एम्प्रेस मार्केट की शूज मार्केट में और ये हैं हमारे प्यारे से दोस्त तैयब भाई। इनसे हम इनके इस कारोबार के मुतालिक कुछ सवालात करेंगे, तो चले चलते हैं इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। यार तैयब भाई मुझे ये बताओ कि ये काम तुमने कब से स्टार्ट किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है ना 10 साल हो गया ये काम जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, पहले माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा था और अभी जो 2019 से सख्त है, बहुत तकलीफ तो होती है लोगों को क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, मगर बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेट होगा। चलो इंशाल्लाह खानी है, इंशाल्लाह आगे चलेगा। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा तैयब भाई मुझे ये बताओ कि हमारा इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि जितने भी कारोबारी लोग हैं ना उनसे कुछ हम बातें करें, उनके कारोबार के बारे में जानें, तो हम तुमसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो कारोबार तुमने स्टार्ट किया जूतों का, तो ये जूतों की सप्लाई कहाँ से मंगवाते हो? खुद जाते हो कहीं या ये कहाँ के, मतलब चाइना के हैं? ये जो है ना चाइना, चाइना से आती है ये। अच्छा। जूती जितने भी है ठीक है, और पाकिस्तान का भी जूती बहुत है, लाहौरी लाहौरी जो जूती चलती है ना। हाँ। वो भी बहुत चलती है। अच्छा। और माशाल्लाह जो चाइना जूती है वो पहले ज़्यादा चलता था, मगर अभी जो बाहर हाल इतना ज़्यादा तो नहीं चलते हैं, मगर बड़ो मार्केट से ये मार्केट अच्छा है। नहीं माशाल्लाह हमने तुम्हारी दुकान को देखा, माशाल्लाह तुम्हारे पास वैरायटी भी बहुत है, खेड़ियाँ भी हैं, स्नेकर्स भी हैं, और तुम्हारे पास लोफर्स भी हैं, बहुत सारी हैं। इस छोटे से काम को स्टार्ट करने के लिए तकरीबन कितना पैसा चाहिए होता है अंदाजन? अंदाजतन जिसके पास अलग 1 लाख से लेकर 5-10 लाख रुपए हो तो ये काम शुरू किया जा सकता है। तो ये भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हमसे बातें करने का। तो समी ये देखो शूज, यहाँ पे स्नीकर्स भी हैं और लूपर्स भी हैं, और ये एक शू मुझे नाइकी का पसंद आ रहा है, ये देखो तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? कितने का? कितने का ये भैया? 1200। 1200 आखिरी कितना हो जाएगा? आखिरी आपके लिए 700। यार बहुत मुनासिब है जूते आप यार। तो दोस्तों ये हमारे एक और दोस्त जिनका नाम है सादिक, सादिक भाई से भी हम कुछ बातें करेंगे उनके इस कारोबार से मुताल्लिक। इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान अपनी सेट की हुई है। चलो चलते हैं और इनसे करते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक। सादिक भाई पहले आप ये बताओ कि ये काम कब से शुरू किया है? ये काम तो 2003 से शुरू हुआ। 2003 कराची में? जी कराची में शुरू किया है। तो माशाल्लाह काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको काम करते हुए।
अच्छा, जूतों का ही काम शुरू से कर रहे हो या इससे पहले भी कुछ और काम करते? ये जूतों का काम है हमारा, हमारा बड़े भाई भी यही काम करते थे, हम लोग भी ये काम। अच्छा, आप लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा सादिक भाई, हमारा असल में आप लोगों से और बाकी कारोबारी लोगों से कुछ बातें करने का मकसद ये होता है कि आप लोग के कारोबार को हम एक्सप्लोर करें, यानी कि सबको बताएं। इस मार्केट का विजिट हमने किया इसीलिए ताकि इस मार्केट को हम कैमरे में दिखाएं कि ये भी कराची में मार्केट है, शूज़ मार्केट, जहाँ पे वैरायटी ऑफ शूज़ मिलती है। अच्छा, हमें एक छोटी सी चीज़ जाननी है कि ऐसा ही एक कारोबार स्टार्ट करने से पहले तकरीबन कितना पैसा चाहिए होता है अंदाजन? ये तो ये से पहले जब हम लोग शुरू आया था कराची में, तो हम लोगों का साथ जो है पैसे नहीं थे। हमारा मार्केट में जो है ना, वहाँ लेट हाउस में भी हमारा शॉप है, हम लोगों ने शुरू स्टार्टिंग लेट हाउस से किया था। अच्छा, फिर उनके बाद हम लोग यहीं भी दुकान खोले और लेट हाउस में भी हमारा शॉप है, वहीं मार्केट में भी। वहाँ पे हमारा चाचा के लड़के थे, चाचाजा थे, उनके अपना होलसेल था, वो चाइना से लाते थे, यहीं उधार पे हम लोग को देते थे, हम लोग बेचते थे, उनको अपना पेमेंट देते से देते थे। अच्छा अच्छा, तो उनकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता अभी अल्लाह ने बहुत तरक्की किया, तो अरे अपना काम चल रहा है बहुत सालों से, अब शुक्र है अल्लाह का, अपना पैसों से अपना माल ला रहा हूँ भेज। माशाल्लाह। सादिक भाई, हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास किस किस वैरायटी के शूज़ होते हैं? माशाल्लाह बहुत वैरायटीज मुझे नज़र आ रही है, अगर तुम मुझे बताओगे तो। मेरे पास हर किस्म की वैरायटी होता है। अभी जोगर्स में जो है ना, देखो नाइक हो गया, एडिडास हो गया, पोमा हो गया, एसिक्स हो गया, ये सब कंपनी मौजूद है। इसी तरह चप्पल में भी मौजूद है, केट हो गया और टवा हो गया, बहुत सारा टम्बरलैंड हो गया, बहुत क्लार्क हो गया, बहुत सारा कंपनी का जो है यहाँ मेरे पास जो है चीज़ें आता रहता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग खुद अच्छा चीज़ लाते हैं, यहाँ की गली के जो ग्राहक है माशाल्लाह वो अच्छा ग्राहक है, अच्छा ग्राहक आता है। अच्छा, और हम लोग भी इंशाल्लाह अच्छा डीलिंग करते हैं उससे, वो लोग भी खुश होता होते हैं, कम पैसों में इंशाल्लाह चीज़ें मिलते हैं। लेडीज़ वैरायटी भी रखते हो? लेडीज़ वैरायटी हम लोग नहीं रखते, सब जेंट्स का। अच्छा, मुझे एक, हमारे जितने भी इंटरव्यूज हम लोगों से लेते हैं उसमें हमारा एक खास सवाल होता है कि अपना कारोबार अच्छा है या नौकरी अच्छी है? अपना कारोबार, अपना कारोबार अपना कारोबार सबसे बेस्ट। अपना कारोबार ये कि बंदे का दिल दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, सेठ पैसे मांगते हैं, रात में जाता हूँ वो कुछ बोलते हैं, अपना कारोबार ये सही कमाया जो भी किया अपना है, सही बात है, जो भी है, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि भाई यहाँ ज़्यादा किया कम किया, साल बार हिसाब होता है घर में भाइयों का साथ अबू का साथ, तो वो ये नहीं बोलते कि आपने क्यों ऐसे किया ऐसे किया। अच्छा, ये वाला मुझे छूट दिखाएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, नाइकी ब्रांड का ये शूज़ है और रेड कलर में है, बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, और इनके पास ऐसी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस मार्केट में विज़िट करें। ये मार्केट बाकी मार्केट के मुकाबले में रेट वाइज भी बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छी है। ठीक है सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जूता समझ में आ रहा है, अब इसके प्राइस पूछते हैं। कितने का ये लाला? 1100 रुपये। 1100 रुपये का यार इसके? अच्छा, मेरा साइज़ होगा इसमें? हाँ, आप वो भी बता दें और बता देंगे कितने का ये फाइनल साइज़? चले निकाले, आप मेरा साइज़ निकाल। यार लग तो अच्छे रहे और हैं भी कंफर्टेबल। सही लग रहा है, सेट है, सेट है, गुड चेन, बड़े बड़े सही है लाला, पैक कर दो यार, कराए ना बोलना, अच्छा है। नादान खान। हाँ, तो भाई जिन भाई से हमने जूता लिया उनका नाम है नादान खान। अच्छा, तो नादान भाई आप ये बताइए कि काम वाम कैसे चल रहा है आजकल? लोग आ रहे खरीदारी करने या नहीं? पता नहीं यार, काम जो है पहले से जो है स्लो है। अच्छा, स्लो है, वजह क्या वजह है? पता नहीं, इसकी वजह हमको भी पता नहीं, काम क्यों स्लो है? महंगाई हो गई शायद, इस वजह से लोग नहीं आ रहे खरीदारी करने। तो लोगों को जो है तनख्वाह कम मिल जाए, इस वजह से जो है लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो भाई जूते ले लिए और बड़े मुनासिब पैसों में मिले, 900 रुपये में, और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। अब घर चल के मजीद ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे ये कैसे।